सबसे पहले मैं अपने महादेव के लिए बोलना चाहूँगी, तो सुनिएगा। पुकार के देखो मेरे महादेव का नाम, के पुकार के देखो मेरे महादेव का नाम, पूरे हो जाएंगे तुम्हारे सारे अधूरे काम। आगे सुनिएगा। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, गम कितना भी हो उसे भुलाते रहो, फिर भी गम को भुला ना सको, कि फिर भी गम को भुला ना सको तो एक बोतल खरीदो और दो बैग चढ़ाते रहो। शुक्रिया। आगे सुनिएगा। उन लड़कों के ऊपर लिखी थी जो अपनी शक्ल पे बहुत ज़्यादा इतराते हैं, सुनिएगा। तुम लड़के अपनी सूरत पे इतना इतराते क्यों हो, कि तुम लड़के अपनी सूरत पे इतना इतराते क्यों हो, अरे मुझे मालूम है, अरे मुझे मालूम है कि तुम एक दिन में चार बार फेयर लवली लगाते हो। आगे सुनिएगा। मैंने इस पे लिखी थी, आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन होता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ कौन होता है। इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी इंसान वही होता है जो रात को दो पैग मार के सोता है। शुक्रिया। आगे सुनिएगा, लड़कों की तारीफ है। आजकल के लड़के भी बड़ा गजब ढा रहे हैं, आजकल के लड़के भी बड़ा गजब ढा रहे हैं, पहली दूसरी को पटा के तीसरी वाली के लिए अपने आप को सिंगल बता रहे हैं। शुक्रिया। आगे सुनिएगा। दोस्तों के ऊपर लिखी थी, तुम्हारे जैसे दोस्त सारे नहीं होते, तुम्हारे जैसे दोस्त सारे नहीं होते, कुछ हमारे होके भी हमारे नहीं होते, तुमसे दोस्ती करने के बाद पता चला कि तुमसे दोस्ती करने के बाद पता चला कि तुम्हारे जैसे कुत्ते कमीने सारे नहीं होते। आगे सुनिएगा, ये भी मैंने अपने दोस्तों के लिए लिखी थी जो मुझसे आगे बोलते हैं अरे गर्लफ्रेंड बनवा दे, जो रिसेंटली अभी वायरल भी हुई है। तुझे कभी कोई गम ना हो, तुझे कभी कोई गम ना हो, तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो, तुझे कभी कोई गम ना हो, तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो, भगवान तुझे ऐसी आइटम दे, भगवान तुझे ऐसी आइटम दे जो सनी लियोनी से कम ना हो। आगे सुनिएगा। ये कैसी अफवाह है जो उड़ाए जा रहे हो, ये कैसी अफवाह है जो उड़ाए जा रहे हो, बेवजह मेरी शायरी बदनाम किए जा रहे हो। कहते हो कुछ समझ नहीं मुझे लिखने की, कि कहते हो कुछ समझ नहीं मुझे लिखने की, फिर क्यों मेरी शायरी अपने स्टेटस पर डाले जा रहे हो। शुक्रिया।